सीधे आपको उत्तर प्रदेश के मथुरा लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्तिगत टिप्पणी करके हम अनावश्यक रूप से मातृशक्ति का अपमान करें। यह हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी स्वीकार नहीं कर सकता। विचारों से सहमति या सहमति हो सकती है, हमें व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति पसंद हो ना हो, लेकिन हम कला को, संस्कृति को, राष्ट्रीयता को या किसी जाति को टारगेट नहीं कर सकते। और अगर कोई करने का प्रयास कर रहा है तो अपने लिए खड्डा स्वयं खोद रहा है। ये तो हमारी मथुरा वृंदावन की भूमि तो कला की भूमि है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है, हमारे कृष्ण कन्हैया के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 16 कलाओं के साथ ही अपना अवतार लिया था। जब 16 कलाओं के साथ, संपूर्ण कलाओं के साथ अवतार लिया था, तो कला का सम्मान करने का इससे अच्छी भूमि दूसरी कौन हो सकती है। और इसीलिए भारत की सिने जगत की सबसे सुप्रख्यात अदाकार के रूप में, जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत की सिने जगत को, भारत की परंपरागत परंपरा और संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, और जिसके मंचन को देखने के लिए आज भी लाखों लाख लोग जुड़ते हैं, चाहे वह गंगा की प्रस्तुति हो, चाहे वह मीराबाई की प्रस्तुति हो, चाहे वह मां दुर्गा की प्रस्तुति हो, उस कला का सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा, कौन भारतीय नहीं करेगा। और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है, तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, यह मुझे स्वयं उनके संदेह होता है। बहनों और भाइयों, एक लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी होने जा रही है। अब पहले और दूसरे चरण में चुनाव प्रचार कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। मैं भी कुछ दिन पहले यहां आया था, मैंने विकास की चर्चा भी की, संस्कृति की चर्चा भी की, देश के अंदर क्या माहौल है इसकी चर्चा भी की। मैं कल आगरा में था, सायंकाल वाराणसी गया, और आज फिर मथुरा में, फिर आपके बीच में यहां पर आया हूं। तो उत्तर में, चाहे वह सहारनपुर बिजनौर हो या वाराणसी बलिया, चारों ओर जाकर के हम ही लोग बता सकते हैं ना कि वास्तव में माहौल कैसा है और जनता जनार्दन क्या चाहती है। चारों ओर एक ही आवाज आ रही है, हर मन में एक ही बात है कि हमें मोदी जी ने 10 वर्ष तक देश के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम अपना एक एक वोट मोदी जी को देंगे, कमल निशान पर देंगे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाते हैं। सभी जगह से एक आवाज है। और बहनों और भाइयों, यह आवाज वैसे ही नहीं है। पहली बार भारत ने, भारतवासियों ने एक ऐसी सरकार को देखा है जो सरकार भारत के अंदर, भारत की भावना के अनुरूप, भारत के नागरिकों की सम्मान की रक्षा करते हुए, उनकी सुरक्षा करते हुए, उनकी समृद्धि के लिए और राष्ट्रीय स्वाभिमान को 56 इंच चौड़ा करते हुए दुनिया के सामने भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य कर रही है। यह काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। वैश्विक मंच पर बड़ी हुई प्रतिष्ठा हो, चाहे सुरक्षित सीमाएं हो, देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का हो,
गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का हो। भारत की परंपरागत परंपरा और संस्कृति में पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को देश के अंदर 60 वर्ष तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, क्यों नहीं इन्होंने काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर दिया? मोदी जी तो पिछले 2 बार से ही काशी से सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस को तो 60 वर्ष लगे थे और 60 वर्ष तक उनका प्रतिनिधित्व काशी से था, क्यों नहीं इन्होंने अपना प्रतिनिधि और क्यों नहीं कांग्रेस की सरकारों ने, केंद्र और राज्य सरकारों ने काशी के बारे में सोचा? क्यों नहीं उन्होंने मथुरा वृंदावन के बारे में सोचा? आखिर सपा बसपा कांग्रेस इन सभी को आपने अवसर दिया था, यहां पे नगर निगम बनाने का काम हो या भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, यहां पे मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल बलदेव गोवर्धन नंदगांव इन सभी क्षेत्रों को तीर्थ स्थल घोषित करने का कार्य था, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां पर ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां की भावनाओं के अनुरूप यहां का विकास हो। जब यहां की सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी थी तब उनके सुझाव पर हम लोगों ने यह तीर्थ स्थल घोषित करते हुए और फिर यहां के समग्र विकास की एक रूपरेखा तैयार करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और आज आप देख रहे होंगे, आज तो देख रहे होंगे इन सभी तीर्थों में विकास के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे मामले हैं जहां न्यायालय में मामले लंबित हैं, उन कारणों से हमें थोड़ा रुकना पड़ता है और हम तो ये मान के चलते हैं कि अंततः हमारी जीत होनी है। हमने अयोध्या के लिए 500 वर्षों का इंतजार किया लेकिन संघर्ष से कभी पीछे हटे नहीं और अंततः परिणाम आया। क्यों नहीं अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस और सपा बसपा वालों ने कर दिया? ये तो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, इनके द्वारा क्या कुछ अयोध्या में नहीं किया गया? कोई राम का नाम ले ले, जय श्री राम का नारा लगा दे तो उस पर लाठी और गोली चलती थी। और आज आप अयोध्या जाएंगे आपको त्रेता युग याद आ जाएगा, प्रभु राम के समय का स्मरण हो आएगा। हेमा मालिनी जी तो अयोध्या गई थी, उन्होंने प्रभु राम के सामने मंचन किया और वह स्वयं मुख थी वहां देख करती कि अयोध्या पहले पतली गलियां थी, कुंज गलियां थी, मथुरा वृंदावन की तरह ही कुंज गलियां थी। और आज आप जाके देखिए 4 लेन और 6 लेन आपको दिखाई देगा, वहां पूरा हर व्यक्ति खुश है, व्यापारी खुश है, वहां का नागरिक खुश है, होटल संचालक खुश है, रेस्टोरेंट संचालक खुश है, फूल पत्ती बेचने वाला खुश है, टैक्सी चालक खुश है, नाविक खुश है और सबको खुशी इस बात की है कि 500 वर्षों के बाद मोदी जी के प्रयास से अयोध्या में प्रभु राम लला के विराजमान हो गए हैं और उनकी इनकम भी कई गुना बढ़ गई। हमने तो पहले भी कहा था ना, हम तो पहले ही कह चुके थे, हमने काशी और अयोध्या में जो कार्य कराना था उसको लाइनअप कर दिया है। सरकार का काम है लाइनअप करना और उसमें फंड उपलब्ध कराना, जनता जनार्दन के सहयोग से बाकी कार्यदायी संस्थाएं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। अब हम लोगों को पूरा फोकस करना है ब्रजभूमि पर। अब ब्रजभूमि पर हम पूरा पैसा देने जा रहे हैं। 84 कोसी की बात हो रही थी, परिक्रमा की बात हो रही थी, गोवर्धन परिक्रमा हो, बरसाना की हो, यहां की जितने भी होंगे इन सबको भी हम यहां की भावनाओं के अनुरूप ही आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं या यमुना मैया की शुद्धि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने या यहां के कुंडों के बारे में या यहां पे गौ माता की सेवा और उसके संरक्षण के लिए ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ने वाले हैं और बढ़ने वाले हैं। इसके लिए आवश्यक है कि यहां से चुनाव जीत करके भी तीसरी बार पिछले 2 रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हेमा मालिनी जी फिर संसद में जाए।
यहां का संदेश देखो, अयोध्या मथुरा और काशी में सबसे पहले चुनाव मथुरा में हो रहा है, तो संदेश यहीं से जाना चाहिए। यहां का संदेश स्पष्ट होना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया है, काशी का काम भी हो गया है, अब मथुरा जो विचार कर रहा था, मथुरा वृंदावन के विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार हेमा जी को फिर से यहां से प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने के लिए एक एक कार्यकर्ता लगेगा, भाजपा राष्ट्रीय लोकदल का। तो बात लखनऊ की कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सपा में लोकसभा टिकट पर घमासान जो है लगातार जारी है। मेरठ से अतुल प्रधान का टिकट कट गया है, सुनीता वर्मा को सपा ने टिकट दे दिया है। सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा पार्टी का सिंबल लेकर मेरठ गए हैं। पत्नी सुनीता वर्मा आज अपना नामांकन करेंगी, कभी भी इसकी आधिकारिक जो है पुष्टि हो सकती है, आधिकारिक ऐलान हो सकता है। अतुल प्रधान ने एक्स पर इसके बाद पोस्ट किया और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला मंजूर है। तो समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर कंफ्यूजन जो है वो पूरी तरह से बरकरार है। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं क्योंकि लखनऊ जो है यूपी की राजधानी है और पूरी जो सरगर्मी है वो लखनऊ में इस वक्त हो रही है। सपा में लोकसभा टिकट पर घमासान लगातार जारी है। तो अब पहले मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, अब मेरठ सीट पर भी घमासान जारी है। मेरठ में भी समाजवादी पार्टी दो बार प्रत्याशी पहले ही बदल चुकी है, अब तीसरी बार भी प्रत्याशी को बदल दिया गया है। मेरठ से अतुल प्रधान का टिकट काट दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि मेरठ सीट से समाजवादी पार्टी की तरफ से भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया गया था, उसके बाद उनका टिकट काट कर अतुल प्रधान को टिकट दिया और अब फिर से अतुल प्रधान का टिकट काट दिया है और योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन की स्थिति लगातार बरकरार है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बागपत और अब मेरठ में भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। वही आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जयंत चौधरी का इशारों में निशाना भी सामने आ गया। जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष में किस्मत वालों को टिकट मिलता है, कुछ घंटों के लिए टिकट मिलता है, उसके बाद किसी का टिकट कट जाता है, जिनका टिकट नहीं कटा है वो उनका नसीब है। तो जयंत चौधरी ने भी निशाना साध दिया है, जमकर निशाना साधते हुए जयंत चौधरी दिख रहे हैं। आपको उनका एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट किया है वो दिखा रहे हैं, किस तरह से जयंत चौधरी ने कह दिया है कि विपक्ष में सिर्फ किस्मत वालों को ही टिकट मिलता है, कभी किसी की किस्मत तो कभी किसी की किस्मत, और थोड़ी देर के बाद उनका टिकट भी कट जाता है, तो अगर आपके पास टिकट है तो वो आपका नसीब है। डिसीजन हो गया, आज लास्ट डेट है। योगेश वर्मा जी सिंबल लेके गए हैं और वो नामांकन आज करेंगे। योगेश वर्मा जी उनकी वाइफ, ये मतलब मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे लगा कि क्या नाम शायद वाइफ का ही है। फिर आपको मिला था टिकट पहले किसी और को, फिर आपको मिला एक कार्यकर्ता में खुशी थी और अचानक से अब ये फिर से टिकट कट जाना, कल आप नामांकन दाखिल कर चुके थे। देखिए, राजनीति में और सामाजिक जीवन में कई बार अलग अलग तरीके के मोड़ आते हैं और मैं समझता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये फैसला लिया है तो कुछ सोचा होगा, समझा होगा और शायद इसलिए भी हम लोगों को बुलाकर कहा कि हम लोग पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि भाई मदद हो। तो मेरा मानना यही है कि जो पार्टी ने फैसला किया उसको स्वीकार करें। पिछले लगभग 4-5 दिन से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग ने सारी विधानसभा में लगभग कर लिया है और आज ये कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता हमारे नेता से मिलके एक ऊर्जा उसने पाई और निश्चित ही बूथ के स्तर पे समाजवादी पार्टी का काम हो रहा है और बदायूं लोकसभा के अंदर अच्छा चुनाव है। जब बैठकें हो रही थी उस बीच जो हमारे बूथ और सेक्टर और जोनल प्रभारी हैं जिनकी बैठक हो रही थी, उन सब ने इस बात को हमारे नेतृत्व के सामने रखा कि लगातार पूर्व में भी जब नेताजी यहां से गए थे तो आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को एक युवा के तौर पर बदायूं को सौंप के गए थे, तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए
जनता ने और यहाँ के हमारे जो प्रभारी हैं सब लोगों ने इस बात को रखा कि आदरणीय शिवपाल सिंह जी की जगह अगर एक युवा चेहरे को यहाँ पर उतारा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी को और फायदा होगा। तो ये उन लोगों के मन की इच्छा थी, ये उन लोगों ने अपनी व्यक्तिगत, मुझे लगता है जो पार्टी के हमारे वर्कर है उन्होंने अपनी राय को रखा, हमारे नेतृत्व में सुना, लोकतांत्रिक हमारा नेतृत्व रहता है जो लगातार जनता की जो बात है उसको राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाता है, तो इस बात को भी हमारे नेता ने इस बात के लिए भी सभी लोगों को ये विश्वास दिलाया कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेंगे, जो उनका संदेश है उसको पहुंचाने का काम करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले लखनऊ से हमारे साथ मोहम्मद आसिफ है और हमारे साथ शाहरुख जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मोहम्मद आसिफ, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, पहले हमने देखा किस तरह से मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और अब मेरठ सीट पर भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। आखिर कंफ्यूजन की वजह क्या, क्यों ऐसा होता है कि पहले एक को टिकट दिया जाता है, फिर उसका टिकट काटते हैं, फिर तीसरे को टिकट देते हैं, दूसरे को टिकट देते हैं? मोहम्मद आसिफ जी, बिल्कुल यह बता दूं कि जब से समाजवादी पार्टी में लोकसभा के प्रत्याशियों को चयन का सिलसिला शुरू हुआ है, टिकट देने को लेकर शुरू हुआ है, तभी से समाजवादी पार्टी में रार शुरू हो गई है। बात करें अगर मुरादाबाद की सीट पर, तो मुरादाबाद की सीट पर एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, यहाँ भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन देखने को मिला। वही बदायूं सीट की बात करें तो बदायूं सीट पर अब शिवपाल यादव ने टिकट वापस करते हुए यह ऐलान किया है कि उनका बेटा आदित्य यादव चुनाव लड़ेगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से शिवपाल यादव की नाराजगी शुरुआती दौर से ही देखने को मिल रही थी और एक तरह से शिवपाल यादव ने कहीं ना कहीं बड़ा दांव खेल दिया और कार्यकर्ताओं से यह कहवाया, इससे यही समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी ना ही अपने स्टैंड को लेकर क्लियर है और ना ही उनका जो असमंजस है वो अभी तक दूर हो पाया है। हमारे साथ शाहरुख भी जुड़े हुए हैं मेरठ से। शाहरुख, जिस तरह से अगर देखा जाए पहले भानु प्रताप को टिकट, उसके बाद अतुल प्रधान को टिकट, उसके बाद अब जो है योगेंद्र वर्मा, उनकी पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट दिया, क्या समझा जाए इससे, क्या समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है? जी भैया, बिल्कुल आप ठीक कह रही है। समाजवादी पार्टी में फेर बदलने का, प्रत्याशी बदलने का फेर जारी है। लगातार समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी बदल रही है। पहले भानु प्रताप का टिकट होता है, उसके भानु प्रताप का टिकट करने के बाद अतुल प्रधान का टिकट कर दिया जाता है। अतुल प्रधान कल नामांकन करने कलेक्टर परिसर में आए थे, यही वो जगह है जहां पर अतुल प्रधान ने कल कलेक्टर परिसर में नामांकन किया था। उसके बाद अब सुनीता वर्मा, अब इसी चीज को देखते हुए जयंत चौधरी भी तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी पे कि जिसका नसीब है कभी किसी को टिकट दे देते हैं, कभी किसी को टिकट दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहरुख, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आसिफ। तो आपको हम उत्तर प्रदेश से खबर दिखा रहे हैं जहां समाजवादी पार्टी में अभी भी टिकट देने को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बरकरार है। बात की जाए पहले मुरादाबाद, उसके बाद रामपुर, बदायूं, 8 सीटों पर अब तक समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी जो है बदल चुकी है। अब मेरठ में भी असमंजस साफ दिखाई दे रहा है, 2 लोगों का टिकट कट के अब सुनीता वर्मा को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। अब बात रांची की कर लेते हैं। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी दफ्तर नहीं पहुंची है अंबा प्रसाद। अंबा प्रसाद कांग्रेस की विधायक है जिनको ईडी ने समन किया था, वहीं ईडी दफ्तर नहीं पहुंची है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, अंबा प्रसाद ने ईडी से समय मांगा है। 12 मार्च को उनके घर में छापेमारी हुई थी जिसके बाद ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। कल उनके जो पिता है योगेंद्र साहब, उनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के लिए आज भी योगेंद्र साहब पहुंचे हैं। वहीं जमीन से जुड़े मामले में मीरा सिंह से भी पूछताछ हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें जो सीधा रांची से आ रही है, अंबा प्रसाद जो कि कांग्रेस की विधायक है वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंची है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इससे पहले 12 मार्च को उनके घर में ईडी ने छापेमारी की थी। मैंने आग्रह किया हूं ईडी के हम अधिकारियों से कि मेरा जितना भी केस मामला हुआ है पिछले साल में और जितना मैं कन्विक्टेड जो भी हुए हैं वो सारे केस का, जो पिछली सरकार में हमारे ऊपर इलीगल केस हुआ
और जितना तरह का मामला हुआ उसको हमने ईडी के अधिकारियों से कहा कि उसका भी जांच करने के लिए उन्होंने सारा केस का हमको डिटेल्स मांगे हैं और कुछ कागज पेपर मांगे हैं, वो सारा पेपर लेने में थोड़ा हमको विलम्ब हुआ। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजय कुमार पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अजय, अगर बात की जाए, जमीन से जुड़ा यह पूरा मामला है जिसके संबंध में हमने देखा था इससे पहले भी ईडी जो है कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद के घर पहुंची थी, छापेमारी की थी, पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन अब खबर यह है कि पूछताछ के लिए नहीं पहुंची है और समय मांगा है। क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, ईडी पिछले दिनों जिस प्रकार से जमीन मामले और उनसे जो बालू खनन को लेकर के ईडी ने दस्तक दी थी और दो दिन से लगातार उनके यहाँ उनके जो करीबी थे उन सारे सभी करीबियों के साथ लगातार 72 घंटे का लगभग ये चला कार्रवाई चली और कई दस्तावेज जमा उनको प्राप्त हुआ है। इसी संदर्भ में लगातार लगभग 3 तारीख से लगातार उनके करीबियों के यहाँ ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया। आज विधायक जो कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद है उनको आज समन भेजा था और आज पूछताछ के लिए बुलाया था, हालांकि किसी निजी कारण को बताते हुए आज वो उपस्थित नहीं हुए। हालांकि उनके पिता जो है योगेंद्र शाह जो पूर्व मंत्री हैं राज्य के रहे, आज दूसरे दिन भी उनकी आज पूछताछ जारी है। तो ऐसे में लगता है कि ईडी को जो भी छापामारी में जो भी दस्तावेज मिले हैं उनके पुख्ते इंतजाम है और उनके सवालों को जवाब देने के लिए अंबा प्रसाद को बुलाया गया और तथा जो उनके पिता है योगेंद्र प्रसाद को उनको भी बुलाया गया। बिल्कुल अजय, ईडी की कार्रवाई जो है लगातार जारी है। इस दौरान कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर छापेमारी की थी, आज समन के लिए बुलाया था लेकिन वो नहीं पहुंची। अब देखना ये होगा कब अंबा प्रसाद पहुंचती है और क्या कुछ तथ्य जो है सामने रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।